टाइम हो रहा है धीरे धीरे क्रिप्टो के मायके से उसकी विदाई का। लगाते गेमिंग ऐप वगैरह कुछ चलाते हो क्या आप? गेमिंग वगैरह यूट्यूब पे करते हो? अरे नहीं जीजा। अच्छा। आप रोज वही काम डेली कर रहे हो। अच्छा। और उसमें 10 रुपए का उठाया, 12 रुपए का बेचा, 2 रुपए आपका प्रॉफिट। देखो गाइस पूरी उधर करके मिल रही है, क्या बोले। तो गाइस देखो दुल्हनिया पहुंच गई हमारी अपने ससुराल। प्रणाम मामा। कहाँ गया गुन्नी? कहाँ है अम्मा? ना पोटी के लिए तो बहुत ज्यादा भूखा भी था। बाकी अभी हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, बगैर ब्रश की यही चाय पी लेते हैं। हाँ, ये तो मेरी कमजोरी है, चाय के लिए कोई टाइम नहीं। अब फिजिक्स लिख दीजिए आज। रिपोर्ट रिपोर्ट है। हाँ, स्वरूप रानी में दिखाते थे ये। हाँ, बेटा वो रिपोर्ट ले आओ। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अमित किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है धीरे धीरे किट्टो के मायके से उसकी विदाई का। चलो भैया सामान वामान जरूर रखवाओ फिर फटाफट। हम तो आते हुए क्वेश्चन ही पूछे हैं, क्या क्या तुम्हें आता है सूट उट करे मजे का लड़की से। तो गाइस हमारी सारी पैकिंग वैकिंग हो गई, हम लोगों ने गाड़ी में सारा सामान वगैरह रख दिया है। तो बिना आ गया बिना बोल रहा। हाँ तो गाइस एक बहुत बड़े मतलब मेरा दोस्त अच्छा है, बहुत दिन से बोल रहा था इनसे मिलने के लिए कि हम मुझे इनसे मिला दो, और बहुत अच्छा लड़का है। तो आइए चलते हैं उनके घर। आ गए हम लोग तो बिना बोल रहा चली चली उनसे मिल। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरे की बाइक में मिला दो, तो हम चलो चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सिस्टम उस्टम सब लगा रखा है। ये किनके यहाँ लेके आओ? यूट्यूबर हैं क्या? बहुत नहीं नहीं यूट्यूबर नहीं है। आप देखिए क्या कर रहे हैं ये। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये भी तो यही बैठे हुए हैं। हाँ क्या भैया आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये बस सब गांव के। अरे ऐसा तो यूट्यूबर्स को मैंने देखा था सेटअप वगैरह बढ़िया लगाते। गेमिंग ऐप वगैरह कुछ चलाते हो क्या आप? गेमिंग वगैरह यूट्यूब करते हो? अरे नहीं जीजा, हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का सारा काम है। ट्रेडिंग बेसिकली। हाँ ये सब ऐसे होता है सिस्टम से पूरा। हाँ हमें भी दिखाओ, आइए देख लीजिए अपना तो यही काम है। ये दो लैपटॉप, चार चार कंप्यूटर, एक पूरा सिस्टम आपने सेट कर रखा है भैया। पूरा मार्केट का ही काम है बेसिकली। मार्केट में हम कुछ भी शेयर। ये कैसे करते हो? आपको सर दर्द नहीं हुआ था? चार चार हम लोग तो साला एक फोन में करते हैं, एक लैपटॉप में या एक मोबाइल में कुछ चीज करते हैं तो हम लोग को सर में दर्द हो जाता है। हम लोग का काम बस 9:15 to 3:30 रहता है, उसके बाद बेसिकली 3:30 के बाद खाली है। 9:15 पे अपन ये अपना या शटर खोलेंगे और 3:30 पे शटर बंद कर देंगे। सिस्टम देख के लगा कि आप भाई बहुत बड़े यूट्यूबर हो भाई। अभी लास्ट मंथ में अच्छी प्रॉफिट थी, तो करीब आप देखोगे तो वेरीफाइड के लिए मैं हमेशा डालता हूँ, ट्विटर पे हूँ बेसिकली, तो वहाँ पे डाल के रखा है सब। तो ये जैसे मान लीजिए बहुत सारे हमारे वीडियोस लोग देखते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं, अपना काम हमारे क्षेत्र से बाजार से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम लोग तो समझ रहे ट्रेडिंग क्या होता है, समझ रहे हम तो समझ गए, लेकिन जो नया बंदा होगा जिसने नाम ना सुना हो ट्रेडिंग, उसको कैसे सरल शब्दों में समझाएंगे कि आप क्या करते हो? ट्रेडिंग का मतलब सीधा सा फंडा है, सस्ते में आप उठा रहे हो, महंगे पे बेच रहे हो। अच्छा। आपने 10 रुपए का कोई चीज खरीदा, 12 रुपए का बेचा। अच्छा। आप रोज वही काम डेली कर रहे हो। अच्छा। और उसमें 10 रुपए का उठाया, 12 रुपए का बेचा, 2 रुपए आपका प्रॉफिट। 1 लाख डाला और 1 लाख का आपने 1,20,000 पे बेचा, 20,000 आपका प्रॉफिट। 1,00,000 रुपए लगाया, 20,000 प्रॉफिट। बस इसमें यह है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम है, आपका फ्रीडम है, आप कहीं से भी काम। आप अपना नाम बताइए पहले भाई, जैसे बहुत से मैं तो जान रहा हूँ आपका नाम, इन्होंने बताया भाई आप बताइए। मेरा नाम ऑनलाइन में यूसी है, उमेश चौरसिया बेसिकली। यूट्यूब चैनल भी आपका? यूट्यूब चैनल भी है आपका, दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप डाल सकते हो जीजा तो डाल देना भाई। देखो गाइस क्या है कि मैं सरल शब्दों में बताऊँ ट्रेडिंग, तो ये आपके जैसे हमारे पास कोई पैसा है, मतलब मुझे मेरे पास 50,000 रुपए है, मैं भैया को बोलता हूँ भैया मेरे पास 50,000 रुपए, इसको कहीं इन्वेस्ट कराओ, तो ये आपके पैसों को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कराएंगे और 50,000 रुपए से आपको प्रॉफिट कमवा के देंगे। तो ये सब बेसिकली ये सब चीज़ें है ना, आपका पैसा ये नहीं लेंगे, ये कोई वो नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह नहीं है, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड है। आप लोग म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते होगा ना,
अब बहुत सारे तो लोग टीवी देखते ही हो तो म्यूचुअल फंड आता है ना, तो आज की डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छी चीज है और म्यूचुअल फंड में आपको कभी लॉस नहीं होता है। तो जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो यार अमित भाई आपके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं, मतलब मैं जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल है, जिस हिसाब से खर्चे करते हैं, कभी कोई फोन ले लिया, घर ले लिया, तो लोग लगता है ये मतलब करते क्या जितना पैसा आ रहा है, हम भी नौकरी कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, हम कोई फंक्शन नहीं कर पाते हैं। मैंने अपने बेटे का भी बर्थडे मनाया था, आपकी इतिहास काफी अच्छा रहा, तो लोग होता ना कि लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि यार कैसे होता, तो भैया पर्सनली मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट मैंने बताया पहले वीडियो में बताया है कि भाई मेरे शेयर में पैसे लगते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो एक जरिया होता है। जैसे बहुत सारे लोग खुद से अपना चीजें करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग किसी के थ्रू कराते हैं, तो ये एक प्रकार से मीडियोकर है जो आपको एक सलाह देंगे, क्या बोलते हैं उसको, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिंपल सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम से, आपके पास मान लीजिए 10 रुपए है तो सिस्टम से आपके पैसे का इन्वेस्ट कहाँ करना है वो प्लान आपको ये बताएंगे ताकि आपका पैसा घाटे में, उसका आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है जो भी। तो जैसे आप तो सकते हैं भाई, मैं तो भाई ये वीडियोस बना कर मैं तो भैया मिलवा चला जाऊंगा। तो जैसे आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे, जैसे आपसे भाई मान लो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा कम से कम कितने पैसे में ट्रेडिंग स्टार्ट की जा सकती है? ट्रेडिंग का तो कुछ नहीं है, आप मत बेसिकली 10,000 डाल करके कल से चालू कर सकते हो, बट उससे आप लंबे समय में पैसा नहीं बना पाओगे। कम से कम भी आपको चाहिए रहेगा तो 2-4 लाख रुपए लेकर के ट्रेडिंग में आना पड़ेगा। 10,000 से आप देख सकते हो कि बेसिकली हाँ यहाँ बाय किया, वहां सेल किया, कुछ प्रॉफिट लिया, बट ये देखने के लिए है। बट आप अगर फुल टाइम अगर ऐसा करियर आना चाहते हो तो करियर का मतलब आप कम से कम अभी तो कमाना चाहोगे तो 30-40-50 हज़ार महीने कमाना चाहोगे। कितना टाइम हो गया आप ये करते हैं? मुझे 6 साल हो गए करीब। कितना नोट छाप? 2018 से मैंने ट्रेड कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने चालू किया था तो करीब बहुत कम कैपिटल से चालू किया था, 1 लाख से चालू किया था, फिर स्टार्टिंग में थोड़े लॉसेस हुए थे, फिर प्रॉफिट किया, फिर धीरे धीरे करके मैंने 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे टोटल, और उससे कर करके अभी हम करीब 2.5 CR पे हैं, 5 करोड़ पे। बढ़िया है, देखिए हम लोग भी ऐसे ही माध्यम के थ्रू, कोई एक माध्यम होता है जिसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप खुद भी कर सकते हो ट्रेडिंग जैसे, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एक होता है ना समय सीखना पड़ता है। जैसे वो देखिए क्या होता है, हर कोई परीक्षा देता है तो परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ाता कौन है, टीचर। तो भाई परीक्षा हम लोग को, परीक्षा मतलब हमें भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन कराएगा कौन, तो टीचर मतलब ये कराएंगे। अब ये बताएंगे कुछ अपना फंडा जैसे जो चीजें होंगी बेसिकली। जीजा देखो अभी कैसा कि पिछले मंथ में मेरे जो हाईएस्ट प्रॉफिट थे वो 5 लाख थे, बट हाईएस्ट लॉस भी थे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही करोगे, जो खाली प्रॉफिट ही दिखाता है वो झूठ है, सीधी सी बात है। यहाँ पे प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। तो लॉसेस जो थे मेरे, आई थिंक 4 लाख के कुछ लगभग लॉस थे, एक ही हाईएस्ट लॉस था, और उसके बाद 1-1.5 लाख लॉस रहता है और 3-4 लाख प्रॉफिट रहता है। बट एंड ऑफ द मंथ मैं हमेशा जब भी कमा के निकलते हैं अपन, एंड ऑफ द ईयर हम कमा के निकलते हैं, क्योंकि अपन बेसिकली वही ट्रेड करते हैं। अपना खुद का भी करते हो, दूसरों को पैसे इन्वेस्ट भी लगाते हो? जी जब मैं सिर्फ दूसरों को सलाह देता हूँ कि SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आप सिर्फ सलाह देता हूँ। मैं ऐसा ब्रोकर हूँ, मीडियोकर हूँ, मैं सबको बताता हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, तो वो चीज में जैसे आपको ट्रेडिंग मान लीजिए, हम तो यहाँ पे आपके पास है, कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा बनारस से, कोई जौनपुर से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कोलकाता से, और भी सिटी से बाहर लोग देखते हैं, तो कैसे आपसे कनेक्ट हो पाएंगे? बेसिकली अगर आप बोलोगे तो मैं नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप, तो अगर आप नंबर शेयर करना चाहो आप कर लेना, और वहां से मैं आपको कोई भी, अगर आपको ऐसा है कि भाई मैं 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का SIP करना चाहता हूँ, नॉर्मल मिडिल क्लास जो कि कर सकता है बहुत इजीली है। हाँ, और आप जैसे यूट्यूबर ऑब्वियसली आप लोग तो 4-5 लाख का SIP खोल सकते हो, और बेसिकली नॉर्मल मिडिल क्लास भी अगर 4-5 हज़ार का भी खोल देता है तो 20 साल बाद इतने तो हो जाएंगे कि उसके सरकारी नौकरी की इतना उस पैसे के, अगर आप SWP लगा देते हो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एक टाइम के बाद वो इतना बड़ा कैपिटल हो जाएगा कि वहां से पैसे उनको इतने आने लगेंगे कि उनको नौकरी की या उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SIP की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार शेयर कर दीजिए और अपना यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए ताकि लोग आपकी वीडियोस के थ्रू, आप क्या एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं इसे ट्रेडिंग से लेकर के? हाँ, तो ये अपना चैनल बता देंगे गाइज, आप इनके चैनल पे जाकर के सीख सकते हो और देख सकते हो कि यहाँ कैसे ट्रेडिंग की जाती है। और अगर आपको फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ भैया मुझे बहुत सारे लोग SIP के बारे में पता है लेकिन उनको पता नहीं होता किस चीज़ में अपना पैसा लगाएं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो।
बता दो अपना कॉन्टेक्ट नंबर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8188018004 और मैं दे भी दूंगा, आप वो डाल देना डिस्क्रिप्शन में। बाकी आईडी बता दो। आईडी है ENGG स्पेस UC, इंजीनियर UC करके है, और वो यूट्यूब चैनल है और वो देख लेना। और बेसिकली आप लोग भी पैसे अर्न कर सकते हैं। इन्होंने बहुत पैसे छापे हैं, देख सकते हैं सिस्टम लगा रखा है। बहुत अच्छी बात, देखिए वालनट खा रहे हैं दिमाग बनाने के लिए। लास्ट मंथ का PL लास्ट मंथ का PL अच्छा था, मतलब बेसिकली ये 15 लाख हाईएस्ट मंथ था, 15 लाख था ऐसा मंथ। तो ये हमारे दीपक जी का भी पैसा वगैरह आप इन्वेस्ट कराइए थोड़ा सा इनका भी। बिल्कुल 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 जीजा, आप देखोगे फिफ्थ मंथ का करीब PL। तो मैं से ये बताओ, आपके जुड़ने के माध्यम था जो आपसे जुड़ना चाहते हैं कि आपके कांटेक्ट नंबर और कहीं हाथ पैर नहीं मारू, बेसिकली यही पे बैठ के यही ये सिर्फ आपको ये चाहिए, आपका कंप्यूटर चाहिए, आपका PC चाहिए। बता देना चाहता हूँ मैं सिर्फ एक दोस्ती यानी में यहाँ पे आया हूँ, कोई ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि आपको भैया के थ्रू कोई इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप अपनी इच्छा से करना चाहते हो, बस फंड है, आप चाहते हो कि भाई कहीं सही जगह आपको मिले, तो भाई हम भी ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं और चीज़ें अर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है, चीज़ें लॉस में भी होती है और प्रॉफिट होता है, लेकिन एक SIP होना बहुत जरूरी है। जो आपको ये भैया होते हैं ऐसे भैया आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट कराते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस और रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। आपके पास फंड है, आप समझ नहीं पा रहे मैं आगे क्या करूं, ये सलाहकार हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा राय देंगे कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, आपको प्रॉफिट होगा 100% रिटर्न जो आता है, और मतलब आप सोच नहीं सकते हैं प्रॉफिट के साथ ही होती है। चलो तो गाइस हम तो निकल रहे हैं भैया घर के लिए, इसी के साथ शब्दों पे विराम करते हैं। बाकी उमेश से मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये BHU पास आउट है भैया, लेकिन इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि इनको इसमें पैसे की लत लगी है, इसमें ज्यादा पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ ग्रोथ होती है इंसान वही जगह भागने की कोशिश करता है। ठीक है गाइस, अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें जाना है अभी घर, और पापा को कल लेकर भी जाना है हॉस्पिटल, थोड़ा सा उनका चेकअप वगैरह कराना है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर के बाद। नहीं नेक्स्ट टाइम एक दिन दीजिए पूरा फुल टाइम अपना। आएंगे अब वही कोई शादी वादी पड़ेगी तो आएंगे। मैं तो सोच रहा जीजा थोड़ा चलते नॉनवेज। देखो गाइस पूरी उधर करके मिल रही है, क्या बोले कोई बात नहीं। नहीं हंस के जाना चाहिए मायके से, कभी भी रोके नहीं। चल ले चाचा। तो गाइस देखो दुल्हनिया पहुंच गई हमारी अपने ससुराल। गुन्ना कहाँ आया है? कहाँ? देख बड़े पापा आ गए। आ जा। ये आउट है ना ये। दो लो। सांसी का। जाओ सांसी। प्रणाम मामा। ये उमा। चकिया हम चला के लेट हो गई होगी मैं। आधा घंटा तब होगा। कहाँ गया बिन्नी? कहाँ है अम्मा? अम्मा। जा। प्रणाम मामा जी। हाँ मामा कब आया? अरे जाओगे? अब भाई ना जावे पहचान नहीं बना कुछ देर बाद जाए। तो मामा मामी भी आ गए हैं सर। हाँ मेहंदी उनके घिया। जा मेहंदी रसम मनावे। कहाँ मामी जी? सब जगह। अरे मामी कहाँ? कहाँ मामी? बस। मामी है पीला पीला पहन कहाँ जाते हो मामी? जाते हैं पूरी खाए मेहंदी। गुन्नी और कैसे निकल गया? मेहंदी बा। अरे कहाँ आयो? तो गाइस हम आ गए हैं कमरे में और यहाँ पे बाबू बैठा हुआ है और मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। मेरा कमरा ढका हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदगी था, तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो ये झाड़ू मार रहे हैं, ये क्लीन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो हम साफ कर देते, तुम बाबू को देख लो,
क्योंकि ये ना पोटी के लिए तो बहुत ज़्यादा भूखा भी था। बाकी अभी हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग सो जाएंगे, है ना? क्या 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 लो लो, आप ब्लॉगिंग करोगे? नहीं नहीं, ब्लॉगिंग मत करो। वहां तक क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वंदना दी का कॉल आ गया है और हमारा हाल चाल पूछ रही है, कैसा लग रहा है तुमको। तो हम बोले क्या कैसा लगेगा, जैसा हमेशा लगता है वैसे अभी भी लगेगा, कोई स्पेशल चीज थोड़ी नहीं लगेगा कि स्पेशल फील होगा हमको। क्या हुआ? गई है वो मेहंदी रसम में। नहीं, वो लोग हम आए तो वो लोग तैयार थे और वो लोग निकल गए। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल काफ़ी थका हारा घर पे पहुंचा था, उसके बाद अभी सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग मामी। गुड मॉर्निंग। मुंबई की डॉन आ रखी है हमारे घर में इस टाइम, और मैं चाय पी रहा हूँ। इन्होंने ब्रश नहीं किया, वैसे बगैर ब्रश की यही चाय पी लेती हूँ। हाँ, ये तो मेरी कमजोरी है, चाय के लिए कोई टाइम नहीं और कोई ब्रश नहीं। बाकी चीज़ों के लिए इनका रूल रेगुलेशन बहुत टाइट है, लेकिन चाय के लिए नहीं है। चाय में फेल हूँ मैं शुरू से, चाय के लिए तो सारा दिन वैसे चला लो। और हमारी मम्मी का क्या है, बगैर जब तक नहा धो कर पूजा पाठ नहीं करेंगे, नहीं धोएंगी तब तक चाय नहीं पिएंगे। अगर नहा नहाई पूजा कर ले, नहाई ले पूजा कर ले, मेरे भी करत है। लेकिन जब से बॉम्बे आए तो सुबह 3 बजे उठ के दुकान पे बैठे पड़े थे, और 3 बजे जब उठ के दुकान पे बैठोगे तो थोड़ा चाय वाय नहीं मिले तो 8 बजे तक टाइम कैसे पास हो। नींदों फिर आवे लगा था ना, 8 बजे तक तो सब जागे, और 3 बजे उठना रोज कंटिन्यू। तो गाइज अभी मैं पापा निकल रहे हैं, पापा को जाना है इलाहाबाद डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो पापा को लेके जा रहे हैं, अभी स्पेशल ट्रीटमेंट कराएंगे उनकी। चलो पापा को लेके चलते हैं इलाहाबाद के लिए निकलते हैं, क्योंकि इलाहाबाद में हमारे घर से इलाहाबाद थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे अच्छे सारे बैठते हैं, तो वहीं चलेंगे पापा को लेकर के। चलो पापा को लेकर चलते हैं, अच्छे डॉक्टर को से दिखाएंगे और ट्रीटमेंट कराएंगे। बैठो पापा। अरे बाप रे, अरे राम, आज क्या का कराई वो पापा? ब्लड टेस्ट। पहले ब्लड टेस्ट कराई वो। अच्छा, तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30, निकलना 6 बजे था, बज चुके हैं 7:30 और हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं और पापा निकल चुके हैं, कितना बढ़िया रोड, पापा बोल रहे हैं पहले हम लोग भी आते थे तो सिंगल रोड था, अभी देखो कितना बढ़िया रोड बन गया है, मतलब बनारस इलाहाबाद तक का मोदी जी की देन है। इलाहाबाद से बनारस तक का जो रूट है कितना बढ़िया हो गया है, ऐसे रास्ते पर गाड़ी चलाने में भी अच्छा लगता है। फोर लेन कर दिया। एज पापा कितना हुए? 66 लिख दीजिए एज। पेट में परेशानी थी। इससे पहले कहीं दिखाए थे? कोई रिपोर्ट रिपोर्ट है? हाँ, स्वरूप रानी में दिखाते थे ये। हाँ, बेटा वो रिपोर्ट सही है, थोड़ा पेट में परेशानी है, बाकी तो सही है। तो पापा को लेकर के पहुंच गए हैं इलाहाबाद, इनका करा दिया है हमने अपॉइंटमेंट। अभी बेसिक चीज़ें बीपी वगैरह और वेट वगैरह सारा कुछ चेक हो गया है। डॉक्टर बैठेंगे 10 बजे और बज रहे हैं अभी 9:36, अभी आधे घंटे हैं। तो जो नर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जब आप आते हो अपॉइंटमेंट लेते हो तो सबसे बड़ी बात है पापा का पहला नंबर है, और अभी इलाहाबाद की जो सबसे बड़ी डॉक्टर है उनके पास हम लोग आए हैं पापा के, अब पापा के चेकअप के लिए। तो अभी पापा को जो भी दिक्कतें हैं हम लोग यही कोशिश करेंगे पापा बहुत जल्द एकदम स्वस्थ हो जाए, एकदम बढ़िया, कोई भी दिक्कत ना हो पापा को। इसलिए अब की बार जो इलाहाबाद की सबसे बेस्टम बेस्ट डॉक्टर हैं, तो अभी हम लोग हैं, ये है कटरा चौराहा जो है मनमोहन पार्क के चौराहे पर बिल्कुल हैं, तो यहाँ पर हम लोग हैं और डॉक्टर 10 बजे तक बैठेंगी। तो पापा का जो नर्स होती हैं जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं बीपी वेट वो सब चीज़ें लिख लेती हैं और रिपोर्ट वगैरह ले लेती हैं, तो जब डॉक्टर आएंगी तो फिर डॉक्टर जब बैठेंगी मेन बड़ी डॉक्टर, फिर उनको हम लोग दिखाएंगे और कोशिश करेंगे पापा का सारा फुल चेकअप वगैरह हो जाए, ताकि इनको बहुत बहुत जल्द आराम मिल जाए।
तो मैं तो बोला था दिल्ली चलने के लिए, कि बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ पे भी एक से बढ़ के एक डॉक्टर है। क्या ठीक है, जब आप दिल्ली जाने के लिए नहीं तैयार हो तो आप कहीं पे बढ़िया से ट्रीटमेंट करवाते हैं, तभी देखते हैं। वेट कर रहे हैं हम लोग बैठे हुए, गाड़ी में लेके बैठा हूँ, मगर गाड़ी में आराम से बैठी है वहाँ अंदर। हॉस्पिटल के अंदर बैठने में थोड़ा सा उलझन सी होती है, तो यहीं पर हैं, डॉक्टर आएंगे तो खुद ही उनकी गाड़ी आएगी तो पता चल जाएगा, इसलिए हम बाहर ही बैठे हैं। तो आप लोग भी दुआ करिए ताकि पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कमेंट से, चैनल को सब्सक्राइब। खुफिया, लव यू ऑल, बाय बाय।